बिहार के गया के शेरघाटी कोर्ट परिसर में अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की है। इस फायरिंग में दो लोगों को गोली लगी है, इसमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। पेशी के लिए कोर्ट आए फोटू खान को दो गोलियां लगी हैं। इस गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। गया कोर्ट में फायरिंग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गोलीबारी में घायल फोटू खान और पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैदी कोर्ट पर चढ़ा के लेकर आ रहे थे, जैसे आगे से हम पकड़ने की कोशिश की है तो गोली मार दिया हाथ। मारने के बाद जो है कि धकेल के गिर गए। फायरिंग के बाद गया पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और पुलिस ने तीन अपराधियों को पकड़ भी लिया है, दो अभी भी फरार है। और खुद अपने लिए वीवीआईपी ट्रीटमेंट मांगकर विवादों में घिरी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें अब उनकी गिरफ्तारी तक पहुंच गई है। रिपोर्ट देखिए। पूजा खेड़कर के विवादों में आने के बाद संघ लोक सेवा आयोग की ओर से दिल्ली में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। ऐसे में पूजा को भी गिरफ्तारी का डर सता रहा है, लेकिन पूजा खेड़कर कहाँ है ये किसी को पता नहीं है। दरअसल उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी ने पूजा खेड़कर को 23 जुलाई को तलब किया था। न तो उनके मसूरी पहुंचने की सूचना है और न ही पुणे पुलिस को ही उनके बारे में कोई जानकारी है। राजस्थान के चर्चित गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर में अदालत का बड़ा फैसला आने के बाद अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। क्या है यह पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखा दें। इस मामले में जोधपुर कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। एसीजीएम सीबीआई कोर्ट ने इस एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया है। कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के लिए आदेश दिए हैं। बता दें कि 24 जून 2017 को आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था। इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए परिवार की ओर से केस दर्ज कराया गया था। वहीं सीबीआई ने इस मामले में कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट सौंपी थी, साथ ही इसमें कोई फर्जी एनकाउंटर को लेकर एविडेंस नहीं होने की भी बात कही गई थी।